ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन सबसे पहले आज के संकेत देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स क्रिसमस मना रहे हैं, हम भी क्रिसमस मना रहे हैं। आप तो सभी को सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस आप सभी को। तो हमारे लाल टी शर्ट्स को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, मार्केट्स गिरने वाले नहीं है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स आशीष देखिए, सिंगापुर निफ्टी तो अच्छे खासे हरे निशान में आपको कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, 75 पॉइंट के आसपास की तेजी है। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स वहां से भी क्यूज अच्छे आए थे, तो कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। यूएस के मार्केट्स वहां भी हरे निशान में कारोबार हुआ था, कच्चा तेल वो भी उछल गया। इसके अलावा एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहां से भी रुझान अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दो तीन चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। क्या? एक, छुट्टियां हैं ग्लोबल मार्केट्स में, वो एक दिक्कत की बात है। और उसके पहले आज देखिए, आज फ्राइडे, पिछले 4-5 फ्राइडे निकाल के देख लीजिए, मार्केट की पिटाई होती है फ्राइडे। अच्छा, पिटाई होती है कि सुस्ता एक्शन होता है? बंद तो लाल निशान में होते हैं, इतना है। तो ये एक दिक्कत की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ओवरनाइट रिस्क लेके कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि यू नेवर नो क्या होगा। हालांकि नो डाउट फेस्टिव मूड है, तो उसके चलते शायद कुछ ऐसी दिक्कतें ना आए, लेकिन अब वो लॉकडाउन भी लगने शुरू हो गए, लॉकडाउन तो नहीं लेकिन नाइट कर्फ्यू लगने शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूड माहौल बिगड़ा हुआ है। इतना ज्यादा नहीं बिगड़ा हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, थोड़ा कॉशियस। देखिए, सरकारें हो रही है जिसके चलते जो है ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस है इम्पोज की जाती है, लेकिन कोई बड़ी इम्पोज नहीं किया ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कुछ बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि ओवरनाइट रिस्क लेके जाना ना थोड़ा रिस्की, और पिछले 4-5 फ्राइडे से मैं यही देख रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स ओवरनाइट रिस्क लेके जाना नहीं चाहते। एग्जैक्टली, ये एक दिक्कत की बात है, देखते क्या होता है। लेकिन हाँ, सुबह तो एटलीस्ट अच्छी है, तो मैंने तो सारे के सारे बाय ले लिए। मेरे भी तरफ से सारे पिछले 3 दिनों से लगातार बाय हैं, और अच्छा। बाजार चल रहा है, स्टॉक्स चल रहे हैं, और खास बात है कि कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें। अच्छा, आप बता रहे थे कि थोड़ा सा आज आपको लाल निशान में क्लोजिंग देखने की, अब तक का जो ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन वरुण, एक और चीज को ध्यान रखना है कि चौपी और बोरिंग सेशन, इससे झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वॉल्यूम्स बहुत कम है ना, क्या करें। एफआईएस छुट्टी पे चले गए, आपकी रिपोर्ट्स नहीं आती आजकल, और देखिए बिकवाली भी देखिए किस तरह से रुकी है एफआईएस की। आई मीन तो एटलीस्ट वो बेचना कम कर रहे हैं, ये थोड़ी बहुत राहत की बात है। वो छुट्टी पे चले गए इसके लिए बेचना कम कर रहे हैं, कि एक्चुअली बेचना कम कर रहे हैं ये तो जब छुट्टी से वापस आएंगे तभी पता चलेगा। बहुत लोग इससे डिसएग्री करते हैं कि दिसंबर के आखिरी मंथ पे थोड़ा सा ना ड्राइनेस आ जाती है बाजार में, बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कल देख रहा था टर्नओवर, कैश का जो टर्नओवर है वो मैं देख रहा था, और एनएससी में अगर आप देखें तो FY22 का लोएस्ट है। कल करीब जो है 45,161 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, और मैंने हर महीने हर दिन लगातार एवरीडे का कल रात को टर्नओवर देखा है, सबसे लोएस्ट अब तक रिपोर्ट हुआ है। हो सकता है कि जो 45,000 का रिकॉर्ड है ना निचले स्तर पर ही आज टूटे, और आपको ड्राई वॉल्यूम देखने को मिले, क्योंकि अब पूरी तरीके से यूएस में अगर आप देखें तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं। डेफिनेटली आशीष, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों मुझे पता है कि छुट्टियां शुरू हो जाती है और क्या इम्पैक्ट होता है ना। लेकिन चलिए अभी स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर देते हैं, है ना। तो कैश का काउंटर बताइए। देखिए, कैश का स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में चुना है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का नाम है गोकेक्स, यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है, पूरा स्पेस बहुत ज्यादा बजेंगे, और जिस प्रकार के बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट आया मैं मान रहा हूं कि यहां पर खरीदारी कीजिए। इनफैक्ट अगर जितना सस्ता मिलेगा आपको, थोड़ा सा भी आज दिन के दौरान पुलबैक मिलता है तो पोजीशंस में ऐड अप करना और इसको समय देना, स्टॉक के अंदर बड़ी पोटेंशियल नजर आ रही है। 304 रुपए के आसपास फिलहाल मिल रहा है, 330 रुपए का लक्ष्य होगा और 292 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो गोकालदास एक्सपोर्ट ये लगातार आशीष के लिस्ट पे रहा है, और आज भी सबसे पहला स्टॉक यही है। मेरा सबसे पहला कैश का स्टॉक है SJVN, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 30 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, करीब 27.8 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक खबर इस कंपनी के लिए आई थी कि सोलार प्रोजेक्ट एनर्जी के लिए इस कंपनी ने एक MOU साइन किया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ, जो है वो JV किया है। तो मेरे ख्याल से इस खबर का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। वैसे भी छोटे टिकट साइज़ का काउंटर है, और अगर मार्केट पे तेज़ी होती है तो इस काउंटर में थोड़ा बहुत अच्छा एक्शन आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए आज आपको इस काउंटर में खरीदारी करना है 30 के लेवल के लिए। अगला काउंटर है फ्यूचर्स का स्टॉक, और देखिए आशीष, मुझे लगता है कि आज IT काउंटर जितने हैं ना उनमें आपको तेजी देखने मिलेगी। कल देखिए इंफोसिस, टेक महिंद्रा लाइफ हाई पे थे, बिरला सॉफ्ट लाइफ हाई पे था। इसके अलावा बाकी आईटी काउंटर्स भी अगर आप देखेंगे, देखिए परसिस्टेंट सिस्टम देख लीजिए, KPIT टेक देख लीजिए, यहाँ पे अच्छी खासी तेजी करके ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली थी। हो सकता है कि आज भी आपको आईटी काउंटर्स में एक फॉलोअप बाइंग देखने मिले। वैसे भी एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद जिस तरह से गाइडेंस बढ़ाया गया था, तब से आईटी काउंटर जो है वो फ्लेवर में है, ये फ्लेवर आगे भी जारी रह सकता है। इसके लिए आपको SCL टेक खरीदना है। फ्यूचर्स में करीब 1260 के आसपास के लेवल दिखा सकता है, 1210 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। सिर्फ SCL टेक नहीं, बाकी IT काउंटर जो है
वहाँ पे भी नजर रखेगा। आशीष आपकी टीम में कोई आईटी काउंटर है? बिल्कुल है, इनफैक्ट वरुण एक रिग्रेट भी है, कल मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, लिस्ट में निकाले थे, लेकिन समहाउ जो कैश के स्टॉक्स मुझे इतने नजर आ गए, मैंने बोला आज को आपको छोड़ दो, आप छोटे कैश के स्टॉक्स को शामिल कर ले और देखिए सारे के सारे स्टॉक्स में तेजी आई। लेकिन आज वो रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि कल की तेजी के साथ कंफर्मेशन आया, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। इन्फोसिस यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। इनफैक्ट एक और आईटी स्टॉक है जो मेरे रडार पर है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इन्फोसिस जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और टेक्निकल्स मुझे नजर आ रहा है, 1900 के पार तो बड़ी आसानी से चला जाएगा और इनफैक्ट ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है ना कि आप फ्यूचर्स में तो खरीदारी कर ही रहे हैं, थोड़ी बहुत डिलीवरी भी लेके आप होल्ड करेंगे ना तो अगले एक महीने में काफी शानदार गेंस यहाँ पर और बड़ी शांति वाले गेंस आपको देखने को मिलेंगे। 1905 रुपए का लक्ष्य होगा, 1840 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अगली हमारी कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में देखिए चुना है मैंने सरकारी कंपनी को क्योंकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो खास बात यह है कि सभी सरकारी कंपनी में थोड़ी बहुत खरीदारी आ ली, हालांकि कोई बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला। लेकिन जब सरकारी कंपनियों में कोल इंडिया जैसा स्टॉक 2-2.5% चल जाए तब आप समझ सकते हैं कि संकेत काफी बढ़िया है, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। 2-2.5% चलना उसके लिए काफी बड़ी बात है। तो BEL ये मैं मानता हूँ कि इसके अंदर स्ट्रक्चर काफी शानदार है, बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है और ऑप्शंस के माध्यम से जो है रणनीति बनाएंगे। लेकिन ओवरनाइट पोजीशंस कैरी मत कीजिए क्योंकि अब टाइम वैल्यू जिस प्रकार से घटेगी ना बड़ी तेजी से घटेगी, तो ऑप्शंस में जो है पैसे कमाना बाय साइड पर अब काफी ज्यादा मुश्किल है। सेल करेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी, लेकिन अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ का एक स्ट्राइक का जो है आप कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड बना लीजिए, नहीं तो आप इंट्राडे कॉल समझकर आप यहां पर खरीदारी करेंगे। करीब करीब 5.90 रुपए तक के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 210 की कॉल है, 3.80 रुपए पर कल बंद हुई है, 2.60 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। चलिए तो आशीष का फोकस टाइम वैल्यू पे है और इसके लिए BEL में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन लेने की बात कर रहे हैं आशीष। आशीष मेरा भी फोकस जो है टाइम और वैल्यू पे है, टाइम है फेस्टिव और वैल्यू है यूनाइटेड ब्रेवरीज। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। देखिए वैसे भी फेस्टिव मूड है, नो डाउट यहाँ पे सबको पता है कि लीकर की सेल्स जो है वो वैसे भी बढ़ती है और वैसे भी इस कंपनी के लिए एक ऑर्डर भी आया है और CCI ने जो 752 को उसका इसके ऊपर यू नो पेनल्टी लगाई थी, NCLAT ने उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। हालांकि 10% के आसपास को जो इन्हें पेनल्टी भरने को कहा गया था वो ये कंपनी कह रही कि अभी भी भरेंगे, तो एक राहत की खबर भी है इस काउंटर के लिए, इस कंपनी के लिए। इसके लिए आपको 1300 का जो कॉल ऑप्शन है इस काउंटर का खरीद के चलना चाहिए। यहाँ पे आपको अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है, 26 रुपए के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 17 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हो गए डिस्कस ते और वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। ओके, एक FMCG काउंटर है मेरिको, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल आप देखिए दिन के दौरान इस काउंटर में काफी बेहतरीन तेजी देखने मिली और सस्टेनेबल तेजी देखने मिली, सबसे अच्छी बात यह है। पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने मिली थी, कल एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया और मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक जो है वो आज भी सस्टेन करेगा। और वैसे भी देखिए आज अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी सुस्ती आती है ना तो FMCG ऐसा स्पेस जो है वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत हेज करके चलेंगे तो आपको काफ़ी बेटर रहेगा। 530 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, 500 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, 508 के आसपास अकाउंट जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकल पिक वैसे तो एक फंडा पिक भी है ये, लेकिन फिलहाल टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मेरे को मैं आपको खरीदारी करना है। इनफैक्ट GCPL भी एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे रडार पर था, इसके भी टेक्निकल और स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया शानदार हो सकता है कि इसमें पूरे सेक्टर में देखे ना तो कुछ तो आईटी चल रहा है, फार्मा चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, आईटी फार्मा FMCG डिफेंसिव चलने शुरू हो गए, देखना होगा। चलिए तो आईटी की बात ही कर रहे थे तो टेक्नो पिक के तौर पर मैंने चुना है TCS को और स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए, एक हफ्ते का तो एटलीस्ट इसको समय देना चाहिए, एक हफ्ते से भी अगर ज़्यादा दे सके तो उतना बढ़िया होगा क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इतने बड़े लार्ज कैप स्टॉक में मैंने इतना अच्छा पैटर्न देखा है और ऐसा पैटर्न है कि इसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है। आप इसमें डिलीवरी लेकर खरीदारी करके बैठेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करीब 3920 रुपये ये टेक्निकल तौर पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ तक तो ये स्टॉक जाएगा, अगर इसको भी पार कर गया तो बड़े ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होगा, फिर ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा, रुकेगा नहीं। तो एक हफ्ते का जो समय है इस स्टॉक को दीजिए, 3920 रुपये ये पहला लक्ष्य है, पार हो गया तो और तेजी देखने को मिल सकती है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक और फंडा पिक के तौर पर मैंने चुना है InfoEdge यानी नौकरी, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए फंडामेंटल तो इसके बहुत शानदार है और सबसे बढ़िया बात आप देखिए कि आईटी सेक्टर में जिस प्रकार का अट्रिशन देखने को मिल रहा है इनको सीधे तौर पर फायदा, आईटी स्पेस में जिस प्रकार की गजब की हायरिंग देखने को मिल रही है तो Naukri.com से बड़ा कोई बेनिफिशियरी नहीं है और इतनी बढ़िया रिकॉल वैल्यू, इतनी अच्छी प्रेजेंस है और ये मान रहे कि इनफैक्ट इनका जो कॉन्कॉल हाईलाइट्स है वो भी मैं पढ़ रहा था, ये कह रहे थे कि अब तक के इतिहास में इतनी बढ़िया हायरिंग्स नहीं देखने को मिली है, तो कंपनीज को बहुत बढ़िया फायदा होगा। और जिस प्रकार के ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको बड़ा बनाते हैं, देखिए Zomato कहाँ से कहाँ चला गया,
यहाँ पर आपको पूरी तरीके से निवेशित रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने काफ़ी बार इससे पहले भी रिकमेंडेशन दी है खरीदारी करने के लिए, लेकिन उन स्तरों से मैं जानता हूँ कि थोड़ी बहुत गिरावट आ गई है वरुण, लेकिन यही मौका है कि आपको पेशेंस लूज नहीं करना है और ऐसे बड़े दिग्गज स्टॉक्स में जब करेक्शन आता है तभी एंट्री करने का मौका होता है। प्रीवियस पीक का भी अगर आप टारगेट लेकर चलेंगे तो 7,500 के आसपास है, बढ़िया शानदार तेजी होगी, लेकिन आपको स्टॉक को थोड़ा सा 1 से 1.5 साल का समय देंगे, अच्छा रिटर्न होगा, शांति वाला रिटर्न होगा। 7,500 का लक्ष्य है, इन्फोएज में खरीदारी करेंगे। चलिए तो 7,500 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है इन्फोएज में खरीदारी। मेरे तरफ से फंडा पिक है ऑल कॉर्गो लॉजिस्टिक्स। वैसे भी देखिए कल पूरा लॉजिस्टिक्स स्पेस जो है उसमें बेहतरीन तेजी देखने मिली थी। वैसे इस कंपनी के लिए खबर भी आ गई है कि ये कंपनी अपने कारोबार को रिस्ट्रक्चर कर रही है, तो इस रिस्ट्रक्चरिंग का इम्पैक्ट भी जो है आपको ऑल कॉर्गो में देखने मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 390 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखेगा 365 का, क्योंकि कल ये काउंटर ऑलरेडी चल चुका है। इनफैक्ट जितने लॉजिस्टिक्स काउंटर्स थे उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, बट लगता है इस खबर के चलते आज एक फॉलो बाइंग आपको देखने मिल सकती है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और निवेश की कैटेगरी में एक स्टॉक है एफएल इंडिया। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए बिजनेस मॉडल के बारे में तो बताऊंगा नहीं, आप सबको पता है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके का है। और देखिए जब जब अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे स्टॉक मिले, बाजार की गिरावट के साथ इन स्टॉक्स में अगर गिरावट आती है तो उन स्टॉक्स को आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसके पहले भी काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे, अब बता रहा हूँ आपको एफएल इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1250-1300 के आसपास का 52-week हाई था, वहाँ से देखिए करीब 250-300 रुपये के आसपास नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगले 6 से 8 महीने का वक्त अगर आप इस काउंटर को देंगे तो कम से कम 1500 के आसपास के लेवल जो है वो आपको ये काउंटर दिखा सकता है। तो एफएल इंडिया ये मेरे तरफ से निवेश का काउंटर है। चलिए निवेश के तौर पर मैंने आपकी जो सेक्टर की कंपनी है आयुषी, इसको चुना है। और सरकारी कंपनीज देखिए लगातार मैं साल की शुरुआत से कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको निवेश करने का बहुत मौका है, क्योंकि जिस प्रकार का डिविडेंड ये देते कोई और नहीं देता, तो एटलीस्ट एक रेगुलर इनकम का फ्लो बना रहता है। और इन स्टॉक्स में एक बड़ी स्टोरी अनफोल्ड होना अभी भी बाकी है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो BPCL के डाइवेस्टमेंट की बातें की जा रही है, इसका हो ना हो, लेकिन अगर BPCL का डाइवेस्टमेंट हो भी जाता है, खबरें भी आती है ना, तो भी आयुषी जैसे स्टॉक जो है चल जाते हैं। 170 रुपये के लक्ष्य के लिए 1 साल का व्यू बनाकर अगर आप खरीदारी करेंगे तो यहाँ पर अच्छी तेजी आएगी। पर एक बात भी चल रही है आईओसी पे, वैसे तो आईओसी छोड़िए, आईओसी एचपी बीपीसी सबके ऊपर अगर डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सरकार का पूरा नहीं हुआ तो बड़ा डिविडेंड जो है वो ये कंपनियां दे सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों का इस साल का प्रॉफिट देखिए आप, तगड़ा प्रॉफिट कमाया है सबने और इन्वेंटरी गेन काफी हुए। और जब जब हमने हिस्टोरिकली देखा है जब जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ज्यादा कमाती है डिविडेंड में जाता है, तो हो सकता है ये कि बहुत बड़ा डिविडेंड जो है आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के तरफ से देखने में मिले। तो बड़े डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर जो मैंने स्टॉक चुना है वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। यहाँ पर HSBC जो इनका म्यूचुअल फंड कारोबार खरीद रहा है करीब करीब 3200 करोड़ रुपए में, टेक्निकल सपोर्ट है। इनफैक्ट कल देखे तो थोड़ा सा स्पाइक और सर्ज के साथ भी स्टॉक बंद हुआ है, करीब 88.50-89 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 79 का लगाना है स्टॉप लॉस। ओके, मेरे तरफ से जो खबरों वाला स्टॉक है वो है अजंता फार्मा। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। देखिए बायबैक की खबर आई है कि इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बायबैक पे कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। इनफैक्ट उसके चलते इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 28 दिसंबर को ये बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बायबैक पे विचार जो है ये कंपनी करेगी। इसके लिए आज आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 2150 के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है, 2000 रुपये के आसपास आपको रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है खरीदारी करनी है गति। दिन के दौरान गति में बहुत तीव्र गति देखने को मिल सकती है। कल भी देखिए बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन इसका जिस प्रकार के मैसिव ब्रेकआउट और बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, इतना चलने के बाद भी मेरा पूरा भरोसा है। इनफैक्ट यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 203 रुपये के लक्ष्य लिए करीब 5 से 6 रुपये नीचे का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में फैक्ट। ये पूरी तरीके से टेक्निकल तौर पर ये मैंने स्टॉक चुना है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आज अगर थोड़ी बहुत तेज़ी आती है और 120 के पार निकलता है तो बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंडलाइन के ऊपर इसमें बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर स्टॉक हाथ में नहीं आएगा। 116 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करेंगे। 125-130 रुपये जो लक्ष्य है यहाँ से विजिबल नज़र आ रहा है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में हैप्पीएस्ट माइंड्स। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि डेली चार्ज पर अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, गिरावट आई थी, लेकिन अब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, हालांकि स्ट्रक्चर बहुत छोटा है लेकिन इंडिकेशन जो है काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। 1300 रुपये के पार जाएगा, 1250 यानी केवल 13 रुपये नीचे का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। ओके, माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले अपोलो माइक्रो, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। DRDO से इस कंपनी को करीब 5.7 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 125 के लक्ष्य के लिए कीजिएगा खरीदारी, 117 का रखना है स्टॉप लॉस।
अगला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि क्रिसिल ने इस कंपनी के जो आउटलुक है उसको बढ़ा दिया है, स्टेबल से बढ़ा के अब पॉजिटिव कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 525 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 495 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। और आखिरी काउंटर है वेदांता, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है जो कि सजेस्ट कर रही है कि ये कंपनी जो है वो हो सकता है कि सेमीकंडक्टर के कारोबार में भी आ सकती है, उतर सकती है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा 355 के लक्ष्य के लिए, 338 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। 355 का लक्ष्य इसके लिए दिया है क्योंकि वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है इस कंपनी के लिए है, इसके लिए 355 के आसपास का मैंने आपको लक्ष्य दिया है। तो तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल माई चॉइस में। तो चलिए 20 स्टॉक से जो लिस्ट है वो तो हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, 330 रुपए का लक्ष्य होगा। आईटी स्टॉक्स में आएगी तेजी, इंफोसिस के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। बीएल 210 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदना। और टीसीएस में देखिए काफी बढ़िया तेजी के संकेत है, एक हफ्ते का समय देंगे तो स्टॉक लगभग 4000 तक किस तरह आपको दिखा सकता है। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, करेक्शन हो गया है। इन्फोएज यानी नौकरी में 7500 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन सरकारी कंपनी है आईओसी, 170 का लक्ष्य होगा। एलएनटी फाइनेंस में खबरों का असर देखने को मिलेगा, गति में आएगी गति, 203 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। फैक्ट में बड़ी ब्रेकआउट के संकेत है, 125 का लक्ष्य होगा। और हैप्पीएस्ट माइंड में 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करें। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक गोकेक्स यानी गोकुलदास एक्सपोर्ट, शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर कल के सत्र में देखने को मिला है। 330 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है एसजेवीएन, यहाँ पे खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में एचसीएल टेक में खरीदारी करना है। आईटी काउंटर्स में आज तेजी हो सकती है, इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। ऑप्शंस में यूनाइटेड ब्रिवरीज का 1600 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है यहाँ पे 26 के आसपास के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली मेरे को अच्छा लगता है, फंडामेंटली ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स अच्छा लगता है। निवेश करना है एफएल इंडिया में, अगले 6 महीनों में 1500 के आसपास के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें अजंता फार्मा है में है, माई चॉइस में अपोलो माइक्रो, ग्लेनमार्क फार्मा और वेदांता में आपको करनी है खरीदारी। पर आज का मेरा बेस्ट पिक है अजंता फार्मा क्योंकि 28 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है, बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है। इस खबर के चलते आज इस काउंटर में तेजी हो सकती है, इसके लिए आपको करनी है खरीदारी 2150 के लक्ष्य के लिए। तो चलिए स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आशीष ग्लोबल मार्केट बंद है, हम खुले हैं तो काम तो करना है, तो काम करना है तो लेवल्स जानना जरूरी है और क्यूज को भी जानना जरूरी है। तो ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले सिंगापुर निफ्टी एक बार देख लेते हैं। आशीष, जब हमने हमारा शो शुरू किया था 74 पॉइंट की तेजी थी, बिल्कुल अब 77 पॉइंट की है, मतलब कोई बड़ा एक्शन नहीं है अभी तक, 3 पॉइंट फिर भी बढ़ा है तो थोड़ा बहुत तो बढ़ गया है। लेकिन हाँ, अब वही सबसे बड़ी बात है कि ये कितना बढ़ेगा बढ़ के भी, क्योंकि अब ग्लोबल मार्केट से चलेगा एग्जैक्टली, हाँ वही है ना, जैसे कि हम शुरुआत में भी बात करते हैं एफएस चलेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एग्जैक्टली, और वॉल्यूम्स भी अब थोड़ी बहुत ड्राइव हो रहे हैं। मैं बता ही रहा था शो की शुरुआत में, जिस प्रकार से पूरे साल का आप देखें कि पर डे का टर्नओवर एनएसई में कैश के स्टॉक्स का देखें तो इस बार का अब तक का कल का लोएस्ट था 45,161 करोड़ का था। अब देखना होगा कि आज ये जो है निचले स्तरों पर रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं। आज भी हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत सुस्ती बाजारों में देखने को मिले क्योंकि एफआईएस की तरफ से पार्टिसिपेशन घट रहा है, राइट। और जैसे कि मैं शो के पहले आपको बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एफआईएस का पार्टिसिपेशन सही में घटता है। इसके पहले जेपी मॉर्गन में काम करता था और लिटरली आशीष वहां पे जब साल का अंत आता था ना तो जो विदेशी लोग थे यानी कि जो यूएस के मार्केट्स में काम करते थे या फिर जिनीवा के मार्केट्स में काम करते थे वो लिटरली छुट्टी पे चले जाते थे। वो हम इंडिया के ही थे जो जाके काम करते थे। लेकिन चलिए